हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। संजीवनी फार्मेसी, बिल्डिंग हेल्दी इंडिया। रिमेंबर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। संजीवनी फार्मेसी फिर एक और बार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाई है एक हेल्दी टेस्टी रेसिपी इन अ न्यू स्टाइल, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। इन दिस क्वारंटाइन पीरियड घर पे बैठे बैठे बोर क्यों होना? चलिए आप हम सब मिलकर बनाते हैं एक हेल्दी टेस्टी रेसिपी विद द इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैव इन आवर किचन। सिलिको संजीवनी हेल्थ रेसिपी प्रेजेंट्स आहार स्वस्थ से भरा। आज हमारी रेसिपी नंबर 16 को रिप्रेजेंट करने वाली है मिसेस पारमिता शॉर्टकट, जो सिद्धा टाउन आर्किड नवरानपुर राजाघाट की रहने वाली है। हमारा आज का रेसिपी नंबर 16 है चाल पोटोल। ये एक नई और एक अनोखी बंगाली रेसिपी है। घर पे कोई भी ओकेशन हो या फिर आप इसको ऐसे भी घर पे बना के खा सकते हैं। इस बंगाली रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन भी जाता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाल पोटोल इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन मॉम्स दैट दे मेक ऑन स्पेशल ओकेशंस इन द समर मंथ्स, स्पेशली फॉर द नव वर्ष और द पहला बैशाख लंच और व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग गेस्ट फॉर द लंच। Potato pointed gourd is cooked with short grain perfumed rice like Gobindo Bhog and garnished with raisins and cashew for an extra flourish. This Bengali vegetarian recipe of potol or purbal is one of our favorite ways to eat potol. हमारे आज के इस नई और एक अनोखी रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 500 ग्राम्स ऑफ पॉइंटेड गॉर्ड यानी कि पोटल और परवल, 3 मीडियम साइजेस पोटैटोज यानी कि आलू, 3 टू 4 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, 2 टेबलस्पून ऑफ सोयाबीन ऑयल यानी कि सोयाबीन का तेल, 1 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, 2 ड्राई रेड चिली यानी कि लाल सूखी मिर्च, 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, 2 कार्डमोम यानी कि इलायची, 1 सिनेमोन यानी कि दालचीनी, 2 क्लोव्स यानी कि लवंग, 7 टू 8 पीसेस ऑफ काशू यानी कि काजू, 7 टू 8 पीसेस ऑफ रेसेंस यानी कि किशमिश, 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 2.5 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर। हमें लग रहा है 3 ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, 2 इंचेस ऑफ ग्रेटेड जिंजर यानी कि अदरक कूटी हुई, 2 मीडियम साइजेस टमेटोज यानी कि टमाटर, 2 कप्स ऑफ गोविंदो भोग चाल, 2 टेबलस्पून ऑफ घी एंड सॉल्ट एंड शुगर यानी कि नमक और चीनी आपके स्वाद अनुसार। Remember to subscribe our channel and like the videos, hit the notification button so that you never miss an update from us. आज के इस हेल्दी टेस्टी रेसिपी को अंत तक देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ी रहे। सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया, मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया, सजनी सजनी राधिका सनी 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 धप मगम देख अब हो चाहिया, धप 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 मग रे गरे मृदुल गमन श्याम आवे, निस सारी रे गा गम मप मृदुल गान गाहिया, सजन सजन राधिका लो देख अब हो चाहिया, मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया।
सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे, चंचल मंजीर रब कुंज गगन छाओ रे, सजनिया बहु जार मदिर कनक दीप जालिया, सजनिया बहु जार मदिर कनक दीप जालिया, सुरभि करह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया, सजनी सजनी राधिका सुमतुलह बालिका, गाथ जूथी गाथ जाति गाथ बकुल मालिका, ऋषिथ नयन भानु सिंह कुंज पथम चाहिया, ऋषिथ नयन भानु सिंह कुंज पथम चाहिया, मृदुल गमन शाम आवे मृदुल गान गाहिया, सजनी सजनी राधिकालो देख अब उचाहिया, मृदुल गमन शाम आवे मृदुल गान गाहिया, सजनी 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 राधिका लो देख अब हो जाहिया, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो जाहिया, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो जाहिया, सजनी सजनी सजन सजन राधिका लो देख अब हो जाहिया, मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया, सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे, चंचल मंजीर रब कुंज गगन छाओ रे, सजनिया बहु जार मदिर कनक दीप जालिया, सजनिया बहु जार मदिर कनक दीप जालिया, सुरभि करह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया, सजनी सजनी राधिका
सुमत। तो फिर चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलिको संजीवनी प्रेजेंट्स आहार स्वास्थ्य से भरा। और आज की जो रेसिपी है वो एक बहुत ही पुरानी सी बंगाली रेसिपी है और बहुत ख़ास मौक़ों पर जो है समर्स में अगर गेस्ट आ जाए घर पे तो ये बनी करती है। और इसका नाम है चाल पोटोल। अब आप सोचते होंगे कि ये जो रेसिपी है पोटोल तो समझ में आ गई कि परवल है, पर चावल से कैसे ये बनेगी। तो चलिए रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं और इंग्रेडिएंट्स से आपके परिचय कराते हैं। ये मेरे पास परवल है, परवल के स्किन्स जो हैं वो आपको पूरे नहीं छीलने, नहीं तो वो मशीन हो जाती हैं। तो ऐसे आधा आधा जो है परवल को छील के फिर उसको हमें क्यूब्स में जो है काट लेने हैं। हमारे पास आलू हैं, आलू भी जो है हमें क्यूब्स में काट लेने हैं। और है ड्राई फ्रूट्स, इसमें है काजू और किशमिश, इसे हम वाइट ऑयल में पहले तल लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, टेम्परिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास है सूखी मिर्च दो, जीरा है यहाँ पे क्यूमिन सीड्स, बे लीफ तेजपत्ता एक, और है गरम मसाला गोटा गोड़ो मसाला जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें एक दालचीनी है, सिनेमन, और यहाँ पे इलायची है, कार्डमम, और यहाँ पे लवंग है। ये चीज़ें जो हैं हमें टेम्परिंग के लिए चाहिए। यहाँ पे एक स्पाइस मिक्स हमें बना लेना है इस पाउडर के मिक्स का, और इसे गुनगुने पानी में जो है हमें घोल लेना है। इसमें हल्दी है, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर है, और यहाँ पे एक गरम मसाला जो है वो मैंने थोड़ा ले लिया है, और यहाँ पे है कोरिएंडर सीड पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, और यहाँ पे है ब्लैक पेपर पाउडर। इसका हमें एक घोल बनाना है। कुछ तीन ग्रीन चिली सिलके हुए, अदरक थोड़ी कूटी हुई, एक टमाटर जो है उसकी डाइस बनी हुई है यहाँ पे कटी हुई, और चीनी हमें चाहिए, और बंगाली गरम मसाला जो है वो चाहिए, और चाहिए हमें यहाँ पे ये जो चावल है ये है गोविंदभोग। गोविंदभोग जो है वो बंगाल में खिचड़ी में और पायश में, खीर में डलती है, पर हम जो है इस फ्रेग्रेंट से राइस के इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, धो के अच्छे से इसको एयर ड्राई करके सुखो के फिर इसको हमें इस डिश में यूज़ करना है, और हमें चाहिए घी। तो चलिए रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ दो टेबलस्पून ऑफ वाइट ऑयल मैंने लिए थे, ये गरम हो चुकी है। अब इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, रेजन्स, किशमिश और काजू, ये हमें थोड़े फ्राई कर लेने हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे ये चावल, और चावल को अच्छे से इसके साथ हम फ्राई कर लेंगे। जब तक चावल जो है उसमें से हल्की खुशबू आने लगेगी और जब तक वो ट्रांसल्यूसेंट थोड़ी सी ग्लासी ना हो जाए तब तक हमें इस चावल को इसके साथ पका लेना है। और गोविंदभोग कभी भी आप घर पे पकाएं तो उसकी स्मेल जो है वो इतनी अच्छी होती है कि सबको पता चल जाएगी कि आपके घर में गोविंदभोग चावल से कुछ ना कुछ ज़रूर बनी हुई है। चावलों में से खुशबू आने लगी है और ये अच्छे से ग्लासी हो गए हैं और देखने तैयार हो गए। अब इस स्टेज पे जो है हमें इन्हें निकाल लेना है। जैसे ही चावल जो है उन्हें हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ फ्राई कर लिया है, निकाल लिया है, उसके बाद जो है हम ये परवल जो है इन्हें फ्राई कर लेंगे। और नमक और हल्दी जो है ये सिर्फ इस परवल के फ्राई में जाएगी, और सुनहरा होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। और हम अब जो है डिश को मस्टर्ड ऑयल में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मस्टर्ड ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल के यूज़ किए थे, इसमें जो है हम परवल छोड़ने लगेंगे और इन्हें सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे।
चंदन डालने के बाद एक टीस्पून नमक जो है हम इसमें डालेंगे और डालेंगे हाफ अ टी स्पून हल्दी और इसे अच्छे से हम सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो जो परवल है वो ऑलमोस्ट डन है। अब इस स्टेज पे जो है हमें इन्हें निकाल लेना है और इन्हें निकालने के बाद कढ़ाई में थोड़ी और तेल मस्टर्ड ऑयल हमें ऐड करनी है। परवल निकालने के बाद इस कढ़ाई में 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल जो है वो और मैंने डाल ली है और अब इसमें जो खड़े मसाले हमारे ये जाएंगे। पहले जाती है तेज़पत्ता, उसके बाद हम डालेंगे 2 सूखी मिर्च, उसके बाद दालचीनी, फिर ये जो लवंग है ये इलायची और ये जीरा और इन्हें अच्छे से क्रैकल होने देंगे। मसाले जो है उन्हें जलाएं ना, जब वो थोड़े से आपको लगे कि पक चुके हैं, खुशबू जो है उनमें से आने लगी है, ये जो डाइस किए हुए आलू हैं ये आप उनमें ऐड कर दें और फिर हमें इन्हें फ्राई करना है। आलू डालने के बाद 1 टीस्पून नमक आप इसमें ऐड कर दें। आलू जो है वो जल्दी पकेगी और अच्छे से आलू को फ्राई करें। देखिए जो आलू है इसे थोड़ी देर कवर करके मैंने पकने दिया था और जब मसाला जो है आपको एकदम से पकी हुई दिखे आप इसमें टमाटर ऐड कर दें और तब तक पकाएं जब तक टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही मसाला जो है वो थोड़ा आपको चिकना जो है वो आपको लगे कि वो स्टार्ट कर चुकी है आप इसमें स्प्लैश ऑफ हॉट वाटर गर्म पानी जो है वो डाल दें और फिर आप इसे पकाएं। गर्म पानी से खाना जो है वो जल्दी पकती है और गैस की भी बचत हो जाती है। देखिए जब ये टमाटर जो हैं ये आपको दिखे कि ये सॉफ्ट हो गई हैं, टेंडर हो गई हैं, तो जो चावल थे और नट्स थे वो आपको ऐड कर देने हैं और अच्छे से आपको इसके साथ पकाना है जब तक कि चावल जो हैं वो कुक ना हो जाए। ज़्यादा मशी तो नहीं पर सेमी कुक होने चाहिए। काश के आपको इसकी खुशबू आ सकती, पता नहीं मुझे कि इसमें से एक बहुत ही ऑथेंटिक सी तालेर बोरा की खुशबू आ रही है नहीं पता पर ये बहुत अच्छी सी खुशबू है। आप जब अपने घर पे बनाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी कि व्हाट एम आई टॉकिंग ऑफ। तो इसके बाद इसमें जाती है ये पॉइंटेड गोर्ड या परवल और अच्छे से जो है आप इसे मिक्स करें और कवर कर दें, कवर करके कुक करें। देखिए जब आपको लगे कि ये पक रही है थोड़ी बहुत, चावल जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, आप इनमें चीनी और ये जो स्लिट ग्रीन चिलीज़ हैं वो ऐड कर दें और ऐड करने के बाद मिक्स करें। आप चाहे तो नमक भी जो है वो एडजस्ट करते रहें पानी डालने के बाद और सब्ज़ी डालने के बाद, और गर्म पानी भी जो है आप बीच बीच में ऐड करते रहें। गर्म पानी से क्या होती है कि ये डिश जो है ये अच्छी बनेगी और चावल भी जो है वो इवनली पकेगी। सो यू डोंट वांट टू मेक योर राइस मशी और ऊपर से आपको जो है अपने सब्ज़ी जो है वो भी आपको ठीक से पकाने हैं, तो कीप एडिंग हॉट वाटर, गर्म पानी ऐड करते रहें। तो फ्रेंड्स इस डिश को हम लोग कंप्लीट करेंगे बाय एडिंग थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद हम ऐड करेंगे, तो चलिए डाल देते हैं घी और ये जो हमारा डिश है चाल पोटोल
लिए सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, सिलिको आहार जो है उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही रेसिपीज़ आपके पास भी अगर हो तो हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू। हमारा एक प्यारा सा ग्रुप है जिसे हम सब प्यार से बुलाते हैं आहार। अगर आप चाहो तो हमारे इस प्यारे से ग्रुप आहार का हिस्सा बन सकते हो, जहां आप जीत सकते हो अट्रैक्टिव प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स सिलिको संजीवनी आहार की तरफ से। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर आपकी फेवरेट रेसिपी वीडियो के साथ हमें भेज देना है। अगर आप हुए द लकीस्ट पर्सन तो आपके गिफ्ट एंड वाउचर्स आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाएगा सिलिको संजीवनी आहार की ओर से। तो फिर तेरी किस बात की, जल्दी से बन जाइए हमारे इस प्यारे से ग्रुप आहार का हिस्सा। सब्सक्रिप्शन इज फ्री फॉर यू। संजीवनी फार्मेसी, बिल्डिंग हेल्दी इंडिया। संजीवनी फार्मेसी, आवर स्टोर इज लोकेटेड एट सिद्धा टाउन आर्केड स्टोन नंबर 12 ग्राउंड फ्लोर नारायणपुर राजारहाट कोलकाता 700136। We provide home deliveries in Kolkata. For any kind of information or requirements, contact us at our Gmail sanjeevni.sathathre@gmail.com or at our contact number 9903500108. अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। For subscribing our channel, just go to your YouTube app and over there in that search bar type Silico Ahar. जब आप Silico Ahar टाइप करके सर्च करोगे तो आपके सामने Silico Ahar की बहुत सारी रेसिपीज आ जाएंगी। किसी एक रेसिपी को क्लिक करके आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं हमारे चैनल Silico तक। After visiting our channel, subscribe our channel over there. अगर हमारी videos आपको अच्छी लगे तो हमारी video को like जरूर करें, उसको अपने friends और अपने family के साथ ज्यादा से ज्यादा share करें। नीचे show किए गए हुए notification bell को जरूर hit कीजिए और उसको all mode पे भी set कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया videos आपसे miss ना हो। हमारा video आपको कैसा लगा या फिर आपका कोई भी suggestion हो तो आप हमें comment box पे comment करके जरूर बताइएगा। Thank you so much for watching.